जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार भगेल ने बताया कि हरियाणा सुपर 100 योजना एक निशुल्क कोचिंग योजना है जो विशेष रूप से आईआईटी, जेईई, नीट के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है। 10वीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। जिला में विज्ञान विशेषज्ञ व गणित विशेषज्ञों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। विद्यार्थियों के अभिभावकों व स्कूल के मुखियाओं से संपर्क स्थापित कर विद्यार्थियों को सुपर 100 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सुपर 100 कार्यक्रम के लिए 10 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को आईआईटी एवं जेईई व नीट के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। विद्यार्थियों के लिए रहने व खाने पीने का प्रबंध भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए विकल्प फाउंडेशन रेवाड़ी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विकल्प फाउंडेशन द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये देखिए, सुपर 100 के लिए हमारे जो बच्चे अब 11 12th में पढ़ रहे हैं और पर्टिकुलर 12th के बच्चे या हम 11th के बच्चों को इसमें लेते हैं, और सुपर 100 के लिए 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जमा किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे DSS राजेश शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट साइंस स्पेशलिस्ट हैं वो इसके नोडल ऑफिसर हैं। इन बच्चों का सुपर 100 का एक रेवाड़ी में इंस्टीट्यूट चलता है, जिसमें सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को खाना पीना से लेकर उनको पूरी कोचिंग देती है नीट और आईआईटी जेईई की। तो यहाँ से हमारा 10 जून को एग्ज़ाम और टेस्ट होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें जो बच्चे पास होंगे उन बच्चों को रेवाड़ी कोचिंग दी जाएगी, उनकी 11th 12th भी वहीं कराई जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि कोई भी मेधावी बच्चा और पर्टिकुलरली जो गरीब परिवार से हमारे बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी का है प्राइवेट का है, वो बच्चा इसमें कम्पीट कर सकता है और इसको अवेल कर सकता है इस फैसिलिटी को। इसमें 31 मई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और 10 जून को इसका टेस्ट होगा। उसमें जितने भी बच्चे पास होंगे उन सभी बच्चों को वहाँ ले जाया जाता है। इसमें सब कुछ रहने खाने पीने और कोचिंग की मुफ्त सुविधा है।